हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं आज वो नुस्खा लेकर आ चुकी हूँ आपके सामने, जिससे मेरे बाल सिल्की और शाइनी सॉफ्ट हुए हैं। और अभी आपने देखा होगा मैं अपने बालों से खेल रही थी, क्योंकि मेरे बाल सच में आज से 10 दिन पहले नहीं थे ऐसे, और मुझे सच में यकीन नहीं होता ये मेरा बाल है, क्योंकि मैंने अपने बालों को बहुत सारा केमिकल खिला रखा था, कलर और आपका स्मूथनिंग, कैरेटीन सब कुछ खिला रखा था मैंने। तो ये बाल मेरा बहुत झाड़ू हो रखा था। कटिंग कराने जाती थी तो बोला जाता था कि इतने बाल कटवा लो, आपका बाल बिल्कुल ख़राब है। तो मेरा बिल्कुल मन नहीं होता था, क्योंकि मुझे छोटे बाल बिल्कुल पसंद नहीं है। वो मैं उसको आपको बताऊंगी, आपके फ़ायदे के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। इसका टाइमिंग वगैरह मैं वीडियो के एंड में बताऊँगी। अभी मुझे अप्लाई करने के लिए अपने बाल गीले करने पड़ेंगे, तो वो मैं उसका अपने साथ लेकर आती हूँ और बालों को गीला करके आती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि वो कैसे अप्लाई करना है और वो नुस्खा क्या है। सो आ गई हूँ, देखो आप, मैं अपने सारे बाल गीले करके, ये देखिए, बहुत अच्छे से बालों को गीला करना है। अगर बाल अच्छे से गीला नहीं होगा तो वो नुस्खा बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। और वो नुस्खा मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या है। टेंटन नज़र आ रहा है आपको, मस्टर्ड ऑयल, और इतना ही लेना है। बाकी आपकी लेंथ के अकॉर्डिंग है कि कितना बाल आपका ख़राब है, आप अपने हिसाब से उसको अच्छे से ऑयलिंग करना है। और सबसे पहले अपने बालों को बहुत अच्छे से गीला करना है, गीले बालों में ही काम करेगा। स्कैल्प पे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, ओनली लेंथ, सिर्फ लेंथ। जहाँ सबसे ज़्यादा पता क्या होता है, हमारा ये वाला बाल ज़्यादा फ्रिजी होता है, तो सबसे ज़्यादा ये यहीं यूज़ करना है और अच्छे से ऑयल करना है। इसको आप पार्टीशन में भी कर सकते हैं, इस तरीके से पार्टीशन में भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। मेरा बाल हल्का है तो मैं ऐसे ही करती हूँ, आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और मैं ये ऑयलिंग करके आपके पास वापस आती हूँ। सो मैंने ये अपने बालों पे अप्लाई कर लिया अच्छे से, सारी लेंथ पर मैंने, जहाँ जहाँ मेरा फ्रिजी हेयर था मैंने सब जगह अप्लाई कर लिया है। और आप देख सकते हैं मैंने बहुत अच्छे से अपने बालों को गीला किया था, उसका सबूत मेरा ये टॉप है जो पूरा अच्छे से गीला हो चुका है। तो आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको बालों को बहुत अच्छे से गीला करना है, उसके बाद ही ये नुस्खा काम करेगा। ये मस्टर्ड ऑयल तभी काम करेगा, क्योंकि हमने ऑयलिंग तो बहुत बार की है, ये ऑयलिंग जो है बहुत ही अलग तरीके से है। ये आप इसको बोल सकते हैं प्री कंडीशनर, जिसको बोलते हैं प्री कंडीशनर, ये हम वो कर रहे हैं मस्टर्ड ऑयल के साथ। तो उसके लिए आपको बालों को बहुत अच्छे से गीला करना पड़ेगा, तभी ये काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड में मैं इसका टाइमिंग वगैरह बताने वाली हूँ कि इसका क्या टाइमिंग रहेगा और ये नुस्खा मैंने कहाँ से देखा है, तो वो सब मैं आपको बताऊंगी। मैं अब आपको मिलूंगी अपना हेयर वॉश कर। सो गाइज, मैं आ गई हूँ हेयर वॉश करके, आप देखिए मेरा बाल, मैं ड्राई भी करके आई हूँ, ड्रायर यूज़ नहीं करा है मैंने, नॉर्मल एयर में ही अपना बालों को सुखाया है। आप देखिए इसका टेक्सचर गीले बालों में इतना पता नहीं चलता जितना सूखने के बाद पता लगता है। ये देखिए, मेरे वीडियो के फर्स्ट कवर पेज में आप मेरा पुराना बाल देखना और मेरा आज का ये बाल देखना, कितना फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फर्क है। इसमें कोई केमिकल ऐड नहीं है, मैंने जब से इसको ट्राई किया है मैंने कोई मास्क, कोई कंडीशनर, कुछ भी यूज़ नहीं करा है, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही फील नहीं हुई है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर, देखिए देखिए कितना स्मूथ, कितना शाइनी और सच में, और सॉफ्ट, देखिए सॉफ्ट, आपको पता लग रहा होगा, ये आपके सामने जेन्युइन मैं आपको दिखा रही हूँ रिव्यू कि ये ऐसा मेरा बाल हो गया है अब, जो पहले नहीं था। अब देखेंगे आपको समझ में आएगा कि पहले मेरा ऐसा बाल नहीं था। आप देख रहे हैं कितना सॉफ्ट लग रहा है, ये रिजल्ट आपके सामने है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप मेरा कवर पेज का जो फोटो है वो देखना, वो मेरा पुराना बाल है, और इसको आप डिफ्रेंसेस देखना कितना है, आपको सब समझ में आएगा। मैं अब इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, मैंने बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी है। और इसको आप यूज़ करेंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये नुस्खा आपको कैसा लगा और कितना रिज़ल्ट आया, कितना नहीं आया। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसे लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा कि मेरी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। और बाकी आप देख सकते हैं, मुझे कुछ नहीं कहना, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं और इसकी बहुत सारी तारीफ करूँ, बट मेरे पास अब शब्द ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप इसको यूज़ करें, अप्लाई करें अपने ऊपर, उसके बाद ही आप इसके बारे में मुझे रिव्यू दें कि आपको ये कैसा लगा। क्योंकि मेरे बोलने से नहीं होगा, आपके करने से भी होगा, अगर आप करेंगे इसको अप्लाई तो ही आपको रिजल्ट नजर आएंगे।
सबसे पहले तो आप बैकग्राउंड म्यूजिक, जो मेरे घर के ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसको अवॉइड करिएगा। पीछे का सिलेंडर भी अवॉइड करिएगा, घर है, सब कुछ होता है, आपको पता ही है। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि आपको ये जो मस्टर्ड ऑयल है, मैक्सिमम 5 मिनट लगाना, मैक्सिमम 5 मिनट। ऐसा नहीं है कि अगर आपको ज़्यादा टाइम हो जाता है तो कुछ नुकसान करेगा, कुछ आपके बालों पे साइड इफेक्ट देगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने 1-1 घंटे तक लगा के रखा है, मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। तो वो आपके ऊपर है कि आप उसको कितना टाइम लगा के रखना चाहते हैं। 5 मिनट तो आपको देने ही देने हैं हर हाल में, बालों को बहुत अच्छे से गीला करना है। और सबसे बड़ी बात, ये नुस्खा है जावेद हबीब जी का, जिस वीडियो को देख के मैंने ये अप्लाई किया, मैंने उनकी वीडियो को देखा और मैंने इसको अप्लाई किया, उसका रिव्यू मैं आपको बता रही हूँ। और ये स्पॉन्सर्ड बिल्कुल भी नहीं है, मेरे को इसका कोई पैसा नहीं मिल रहा है। ये सच में मैंने इसको यूज़ किया और मुझे बहुत पसंद आया, जेन्युइन लगा, तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करती हूँ।